आज की हमारी इस क्लासेस में हम बात करने जा रहे हैं नेस्टेड इफ के बारे में, और नेस्टेड इफ में हम बात करेंगे स्लैब स्लैब के इंसेंटिव के बारे में, स्लैब के बारे में। जैसे कि आपके सामने ये सेल्स दिया हुआ है, तो अगर मान लीजिए आपको ये देना है कि 85 टू 95 के बीच में अगर 500 देना है, तो इसके लिए तो आप लास्ट क्लास में बताया भी था कि आप यहाँ पे इफ का फॉर्मूला देंगे और देंगे कि क्या इसमें एंड लगा सकते हैं, और दे सकते हैं कि अगर एक ग्रेटर देन इक्वल टू 85 कॉमा इसको सिलेक्ट किया, लेस देन इक्वल टू 95 देन यहाँ पे 500 हो, अदरवाइज 0 हो। लेकिन अगर स्लैब हो जाए तो जैसे 0 टू 40 हो तो 500, 41 टू 80 हो तो 1000, 81 to 100 हो 2000, and greater than 100 हो तो 5000, right? Clear है? इंसेंटिव यहां पे कैलकुलेट करना है। तो यहां पे हम देखिए कि हर नंबर के लिए कुछ ना कुछ है, जितने भी नंबर्स हैं सबके लिए कुछ ना कुछ है। हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, हम बोलेंगे कि क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है। अगर ऐसा है तो यहीं पे 500 दे दीजिए और इफ अपना आगे का प्रोसीजर को क्लोज कर। अगेन हम यहां पे बोला कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू आपका 80 है, अगर ऐसा है तो यहां पे 1000 दें। तो वापस अगेन इफ हमने लगाया और इसको सिलेक्ट करके बोला कि ग्रेटर देन इक्वल टू 100 तो यहां 2000, अदरवाइज 5000। मैं जूम करके इस फॉर्मूले को दोबारा बता देता हूं। तो भुवन जी कोई डाउट इसमें? नहीं, चलिए तो नीचे की तरफ ड्रैग कर। लेकिन यही अगर स्कोरिंग में होता तो, अगर हम इसको अलग एक सेल पे ले जाते हैं और बोलते हैं अगर स्कोर होता तो, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर ये 0 to 30 लाया तो ये सी ग्रेड होगा, डी ग्रेड होगा, और 30 to 60 आया तो ए हमारा सी ग्रेड होगा, 60 to 75 पे बी ग्रेड होगा, और 75 to 95 ए हमारा ए ग्रेड होगा, और ग्रेटर देन 95 पे हमारा ए प्लस होगा। तो एक ग्रेडिंग सिस्टम हमें यहां पे देना। तो यहां हम देंगे फॉर्मूला सेम इफ का, इफ हमने इसको सिलेक्ट किया, बोला लेस देन इक्वल टू 30 है तो डी ग्रेड, सेम प्रोसीजर यहां अप्लाई हो। फिर अगेन इफ हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि लेस देन इक्वल टू, अगर 60 है तो यहां हो जाएगा हम, अगेन हम इफ देंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे लेस देन इक्वल टू 75, सो 75 तो नहीं, हाँ 75 तो डी और सी तो हो गया, बी ग्रेड, हाँ और अगेन इफ हम देंगे, इसको सेलेक्ट
अच्छा मैंने गलत कर लिया, पूजा सेलेक्ट कर लिया, पूजा थोड़ी सेलेक्ट होगा। Less than equal to greater than less than less than equal to 95. So यहाँ पे A grade और otherwise A plus या इस पे condition भी लगा सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। नीचे ड्रैग कर दीजिए। अब यहां पे क्वेश्चन यहां पे आता है कि काफी लेंदी हो रहा है ना, तो एक हमारे पास फॉर्मूला है आई एफ एस जो कि ऑफिस 365 में क्या करता है, इसमें आपको लॉजिकल टेस्ट आप दे दीजिए, जैसे कि हमने इसको दे दिया कि अगर ये लेस देन इक्वल टू 30 है तो डी ग्रेड। अब यहां पे दोबारा से मुझे इफ नहीं लगाना, बस कंडीशन लगा दीजिए, लेस देन इक्वल टू 60 है तो डी ग्रेड। फिर वापस इसको हमने सिलेक्ट किया सर, डी दो बार होगा, कभी डी नहीं हासिल होगा ना, लेस देन इक्वल टू आपका 75 देन बी। फिर इसको हमने सेलेक्ट किया और बोला कि लेस देन इक्वल टू 95 तो ए, एंड फिर इसको सेलेक्ट किया कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन 95 है तो ए प्लस। इस फॉर्मूले में हमें कई सारे इफ लगाने पड़े, फिर ब्रैकेट क्लोज करना पड़ा, बट आईएफएस की बात करें तो इसमें हमें एक ही इफ लगाना पड़ा और सर कंडीशन देते चले जाए, ज्यादा इजी है, हां ये थोड़ा सा इजी याद भी रहेगा ये, लेकिन 65 में है, लोअर वर्जन में नहीं है। ग्रेड निकालने के लिए फार्मूला उसी चीज यहाँ पर है, एक ए फॉर्मूला इसमें आ गया आपको। तो इसके बाद बाकी चलते हैं हम, इफ हमने एंड एल फॉल्स, फॉल्स तो नंबर फॉल्स होता है, इफ पढ़ लिया, इस एरर पढ़ लिया, इफ एरर जानते हैं ना, एक बार लगाया था इफ एरर के अगर एरर आए तो, हाँ तो उसी में इफ एरर हर तरह के एरर को देखता है, इफ एरर जस्ट एनने वाले एरर को देखता है। आईएफएस बता दिया नॉट जो है ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू अपोजिट कर देता है, और बता ही दिया आपको ट्रू बता ही दिया, एक्सो बता दिया, एक्स में आता है स्विच फॉर्मूला, लास्ट हमारा आता है स्विच फॉर्मूला। तो स्विच फॉर्मूला में क्या है, एक्स और क्या है सर, मैंने बताया था ना आपको लास्ट क्लास में, और एंड वाला जो है वही है, नहीं नहीं और था, सीधे दोबारा बता देता हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास जो है कुछ सिटी लिस्ट है, सिटी ठीक है, तो यहां सिटी के कोड है, एक 1-2 इस तरह चल रहा है, भी हो सकते हैं। अब यहां पे मैं कोड लिख रहा हूं और यहां पे मुझे सिटी चाहिए, 1 लिखा 2 लिखा इस तरह से, तो इसमें वी लुकअप लगा सकते हैं, लेकिन हम यहां पे इफ लगा रहे हैं, वी लुकअप नहीं, हम यहां पे इफ लगा रहे हैं। इक्वल हमने दिया इफ का फॉर्म, क्या दिया इफ का फॉर्म, इफ के फॉर्मूले इफ इफ ने माफ कीजिएगा स्विच का फॉर्मूला, ये इससे भी करके दिखाता हूं, फिर इसे करूंगा मैं स्विच से बताऊंगा। इफ अगर ए इक्वल टू 1 है तो यहां पे 2 नहीं आएगा, फिर अगेन इफ अगर ए इक्वल टू 2 है तो यहां पे डेल ही आ जाएगा, अगर इक्वल टू ए इक्वल टू हमारा 3 है तो यहां पे नोएडा आ जाए, यही था ना,
से आगे कंटिन्यूस है फिलहाल में। यहाँ पे इफ छूट गया, माफ कीजिए। ठीक है, अब इसी चीज को स्विच से करता हूं। स्विच इसको सिलेक्ट किया। अब इसमें मुझे कंडीशन कंडीशन नहीं देना है, हम बोल रहे हैं सिंपल वन है तो टू नहीं देते, जो वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू देते। हाँ, टू है तो दिल्ली, थ्री है तो नोएडा, इस तरह से आगे कर सकते हैं, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा ग्रेटर देन लेस देन इस तरह नहीं चलता है, एक्चुअल वैल्यू चलता है। ये हमारा स्विच का फॉर्मूला क्लियर है। अब बात कर रहे थे एक और के, जैसे मान लीजिए कि आपको बोला गया है अपना ट्रांसफर चूज करने के लिए, उसमें से आपको दो ऑप्शन लेना है कि आपको पुणे जाना है या फिर नोएडा जाना है, दिल्ली में लेना है, दोनों में से दोनों में ले सकते हैं, कोई एक कोई एक लेना ही पड़ेगा, दोनों में छोड़ सकते हैं और दोनों चूज नहीं कर सकते। तो यहां पे हम एक्स और लगाते हैं, एक्स और इक्वल वाई कॉमा इक्वल वाई, ठीक है। अब मैं एक वाई कोई भी एक वाई दे दूंगा तो ट्रू हो जाएगा, दोनों दूंगा तो फॉल्स हो जाएगा, दोनों छोड़ूंगा तो फॉल्स हो जाएगा, ये एक्स ऑर का काम है। क्लियर है? नहीं, क्या किया सर आपने इसमें? क्या एक बार इसको दिखाएंगे, इसमें क्या किया, अगर x और लगा के उसकी वैल्यू डाली के 4 में y है, आपने दोनों की वैल्यू y ही तो डाली है। हाँ, तो हमने दोनों में से कोई एक होगा ना हमारा। अच्छा, कोई भी अगर कोई एक y प्रिंट होना चाहिए। हाँ, आउटपुट जो है दो नहीं होना चाहिए, एक कम से कम होना चाहिए और दो भी नहीं होना चाहिए। जैसी मायन बात है, ट्रांसफर आपको एक ही सिटी में लोगे ना, अब दिल्ली मुंबई दोनों जगह काम नहीं करोगे क्या? इसकी क्लास में यहाँ पे खत्म होती है। आप आज 24